Next one about increment decrement versus printf functions. As we are discussing in printf function, all arguments of the printf function will be resolved from right to left. What do you mean by right to left? In case of printf, some example x equals to 1 or something x equals to 10, then printf some format specifiers %d 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 like that, comma x comma x equals to 5 comma x. What is the result of this printf functions? In that case, is printf can the total number of arguments kitne supply hue? There are 3 arguments, x comma x equals to 5 comma x, means this is considered as first expressions, as a second expression, as a third expressions. Printf ke case mein expression solve kaise kar from right to left direction. Sabse pehle rightmost expression solve hua, then its previous, again its previous. In that case, what is the result of this printf? Initially agar baat karein, variable x, x is initialized by 10. This is the initial value of x. Then what will be the output? Sabse pehle is case mein solve kisko karein, third expression, not a first. थर्ड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग x का करंट वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 10, इसलिए x के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे, हियर x इज रिप्लेस्ड बाय इट्स करंट वैल्यू व्हिच इज 10. नेक्स्ट वन, इन दैट केस x का वैल्यू रिप्लेस करने से जस्ट पहले परफॉर्म करेंगे सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, इट्स प्रीवियस एक्सप्रेशन सेकंड x equals to 5. ऑपरेशन टाइप इज असाइनमेंट, असाइनमेंट के अकॉर्डिंग 5 किस में असाइन होगा, in x. Previous value of x is 10, now 10 is replaced by new contents as 5. This is the current value of x. After assignment, then again iske place for finally result kya replace karo, current value of x. Now add becomes already 5, therefore it is replaced by current value of x which is 5. In that case replace kya hoga, 5. Next one, सॉल्विंग फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन केस में x का ऑलरेडी वैल्यू क्या 5, इसलिए रिप्लेस भी क्या हुआ आल्सो, वैल्यू ऑफ x इज 5. देन व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, फर्स्ट परसेंट डी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट व्हिच इज 5, सेकंड परसेंट डी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे सेकंड आर्गुमेंट व्हिच इज आल्सो 5, एंड थर्ड परसेंट डी रिप्लेस्ड थर्ड आर्गुमेंट इज 10. फाइनल आउटपुट इज 5 5 10. Same behavior apply in that examples. In case of increment decrement operations, agar increment decrement operations printf functions ke andar apply kiye, means separated by comma with different expressions, then that example. In that case total expressions kitne pass kiye hain, 3 1 2 and 3. तो सबसे पहले थर्ड एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ, देन सेकंड एक्सप्रेशन, देन फर्स्ट. व्हाट इज मीन बाय सॉल्विंग राइट टू लेफ्ट, देयर इज इट इज नो वे रिलेटेड टू सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट इज इनकरेक्ट. मींस अभी भी एक्सप्रेशन किस सीक्वेंस में सॉल्व हुआ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट सबसे पहले राइट टू लेफ्ट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले राइट मोस्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, देन इट्स प्रीवियस, देन अगेन इट्स प्रीवियस. मीन्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, एवरी टाइम एक्स रीसेट बाई 1, बार बार एक्स में क्या इनिशियलाइज हो रहा, बार बार 1, 1 बाई 1. सारे एग्जाम्पल टेस्ट कर दें, मीन्स जब भी प्रिंटएफ एग्जीक्यूट होगा, प्रिंटएफ के थ्रू रिजल्ट डिस्प्ले होंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, सम आउटपुट डिवाइस मॉनिटर विंडो, दिस इज द आउटपुट डिवाइस मॉनिटर लाइक दैट. इस केस मैंने कहीं स्लैश एन यूज नहीं किया, मैं डिस्प्ले करूंगा एवरी वैल्यू इज नेक्स्ट न्यू लाइंस. फर्स्ट वन, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल एज एक्स, इनिशियल वैल्यू इज 1, इनिशियल वैल्यू इज 1, देन इन दैट केस वन मोर केस, प्रीवियस केसेस में डिस्कस किया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस, जब भी अप्लाई करोगे या तो इनिशियलाइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे या फिर असाइनमेंट रूल्स, बट इन दैट केस ना ही इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना ही असाइनमेंट ऑपरेशन, डिफॉल्ट केस अप्लाई करोगे ऑलवेज इनिशियलाइजेशन रूल्स. इनिशियलाइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट, और असाइनमेंट रूल सॉरी अगर पोस्ट ऑपरेशन देन पहले रिप्लेसमेंट देन
इंक्रीमेंट। तो इस केस में अप्लाई क्या करना, फाइनली इनिशियलाइजेशन रूल। इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेटर, प्री और पोस्ट? पोस्ट। पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ एक्स? वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, देयरफॉर इट इज रिप्लेस्ड बाय 1। इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 बिकॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेशन। नाउ एक्स विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, एक्स बिकम्स 2। एक्स का फाइनल वैल्यू 2 है लेकिन ऑलरेडी इसके प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ है 1, देयरफॉर प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले क्या हुआ, ओनली 1। दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट प्रिंट एप। फर्स्ट प्रिंट एप के थ्रू क्या प्रिंट हो रहा, सिंपली 1। नेक्स्ट वन अगेन एक्स इज इनिशियलाइज्ड बाय 1, नाउ 2 अगेन रिप्लेस्ड बाय 1। नेक्स्ट वन फिर से प्रिंट एप टेस्ट करें, प्रीवियस केस में ऑपरेशन का टाइप क्या था, पोस्ट। इन दैट केस प्री, प्री है तो पहले रिप्लेसमेंट और पहले इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, फाइनली 2, देन रिप्लेसमेंट। नाउ प्लस प्लस एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 2, देन फाइनल वैल्यू प्रिंटेड एस 2। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन अगेन एक्स इज इनिशियलाइज्ड बाय, असाइंड बाय 1, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा इस केस में, अगेन 1। इन दैट केस प्रीवियस केसेस में डील किया था ओनली विद सिंगल एक्सप्रेशन, बट हेयर 3 एक्सप्रेशन और 3 आर्गुमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर प्रिंट एफ के अंदर एक से ज्यादा आर्गुमेंट हैं, देन इन आर्गुमेंट को सॉल्व कैसे करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले राइट मोस्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करें, मीन्स थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली चेक करोगे, इज इट प्री और पोस्ट? प्री। प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट। प्लस प्लस एक्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स विच इज टू। नेक्स्ट वन अगेन प्री और पोस्ट? पोस्ट। पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट, रिप्लेस क्या हुआ इस प्लेस पर, करेंट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज अगेन 2, देन आफ्टर रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेशन, नाउ एक्स गॉट इंक्रीमेंटेड बाई 1, एक्स बिकम्स 3। नेक्स्ट वन फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में डायरेक्टली एक्स के प्लेस पर एक्स का वैल्यू रिप्लेस करना, नाउ एक्स बिकम्स 3, देयरफॉर इट इज रिप्लेस्ड बाय 3। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 3 2 2। फर्स्ट परसेंट डी के प्लेस पर रिप्लेस करो 3 2 2। मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ 3 2 2। नेक्स्ट वन अगेन x इज इनिशियलाइज्ड बाय 1, x का अगेन न्यू वैल्यू क्या साइन हो रहा है एज अ 1। नेक्स्ट वन इस केस में टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन कितने, अगेन 3 एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगेन सबसे पहले सॉल्व किसको करें, राइट मोस्ट एक्सप्रेशन मीन्स दैट वन। इज इट प्री और पोस्ट? पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट। तो इसके प्लेस पर रिप्लेस क्या करें, करेंट वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज ऑफ प्रीवियस असाइनमेंट एक्स बिकम्स 1, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पोस्ट पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट। तो एक्स के प्लेस पर एक्स का करंट वैल्यू रिप्लेस हो 1, देन इंक्रीमेंट एक्स बिकम्स 2, 1 इज रिप्लेस्ड बाय 2। नेक्स्ट वन दैट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन केस में सॉल्व कैसे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले ऑपरेशन का टाइप क्या, प्री और पोस्ट? प्री। प्री है तो पहले इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन एक्स, एक्स बिकम्स 3, देन रिप्लेसमेंट इन दैट प्लेस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्लस। प्री और पोस्ट? पोस्ट। पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट एक्स बिकम्स 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9, देन व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन, 9। फाइनल रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज 9। नेक्स्ट वन अगेन प्री, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट। रिप्लेस क्या हुआ, इंक्रीमेंटेड वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 5, देन फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसका, 5 9 1। प्रिंट एफ के आर्गुमेंट और एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे होंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन वैल्यू कैसे डिस्प्ले हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स 5 9 1। दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रिंट एफ, 5 9 एंड 1।
Similarly, next expressions. Again, x is assigned by 1. X ka new value kya again? 1. Next one. सबसे पहले इस केस में अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस कितने देर आर टू एक्सप्रेशंस दिस वन इज फर्स्ट दिस वन इज सेकंड तो सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन इन दैट केस सेकंड एक्सप्रेशन और वी कैन से राइट मोस्ट एक्सप्रेशंस मींस दैट वन लेकिन सॉल्व कैसे होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन दैट मैनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्री और पोस्ट पोस्ट तो पहले रिप्लेसमेंट x का वैल्यू क्या है 1 देयरफॉर रिप्लेस क्या हुआ 1 आफ्टर इमीडिएटली इंक्रीमेंट नाउ x बिकम्स 2 मल्टीप्लाई अगेन प्री और पोस्ट 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 है तो पहले रिप्लेसमेंट x का करंट वैल्यू 2 है इसलिए रिप्लेस क्या करें इस प्लेस पर वैल्यू ऑफ x इज 2 नाउ x गॉट इंक्रीमेंटेड बाय 1 इज बिकम्स 3 मल्टीप्लाई अगेन प्री और पोस्ट 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 है तो अगेन पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट नाउ एक्स बिकम्स 4 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज बिकम्स 6 ओवरऑल रिजल्ट इज रिप्लेस्ड एज 6 फाइनली इस प्लेस पर ओवरऑल रिजल्ट का प्रिंट हुआ 6 नेक्स्ट वन अगेन जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व ये एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल प्री और पोस्ट प्री प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट रिप्लेस करेंगे ऑलवेज करंट वैल्यू मीन्स 5 मल्टीप्लाई प्री और पोस्ट पोस्ट ऑपरेशंस पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट करंट वैल्यू इज 5 देयरफॉर इट इज रिप्लेस्ड बाय 5 आफ्टर दैट इमीडिएटली इंक्रीमेंट इन x x बिकम्स 6 बट रिजल्ट इज 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25 फाइनल वैल्यू क्या आएगा इसका 25 Then final output of that printf, first percent is replaced by 25, second percent is replaced by 6. Therefore, result is 25,6. That one. Clear? Note down this.